लेकिन जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल पूर्णिया अपनी खुद की पहचान के लिए वैसे ही अपना नाम बनाकर रखा हुआ है और बेहतरीन स्कूलों में जाना जाता है पूरे अक्रॉस इंडिया। और बेहतरीन स्कूलों में से एक माना जाने वाला स्कूल जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल। आज हम यहाँ पे हैं जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में। COVID-19 के समय से जिस तरह एजुकेशन शिक्षा के कह सकते हैं कि स्तर में बच्चों को दिक्कतें आई, सामना आया, और COVID-19 अब कहीं ना कहीं जाके COVID-19 में कमी आई है और स्कूल फिर से पुनः अपने जो डेली के दिनचर्या हैं उस हिसाब से खुलने लगे हैं और बच्चों को जो एक साल की बात कह सकते हैं कि स्कूल आने का एक अच्छा माहौल मिलेगा, फिर से एक दूसरे के बच्चों के बीच जाके बैठ सकते हैं। ऐसी स्थिति में किस तरह की तैयारी है COVID-19 को लेकर और एक साल जिस तरह बच्चे पीछे छूट गए हैं उसको उनका मैनेजमेंट है, कैसे बच्चों को आगे ले जाएगा, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए जीडी गोयनका की जो एकेडमिक डायरेक्टर हैं स्वाति अहमद वो हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि अब क्या चुनौतियां रहेंगी COVID-19 के बाद बच्चों के लिए। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कहते हैं कि COVID-19 का समय था, आप भी जान रही हैं जीडी गोयनका एक बेहतरीन स्कूलों में जाना जाता है, कैसी चुनौतियाँ रहेंगी? जीडी गोयनका बेहतरीन स्कूलों में जाना जाता है पूरे अक्रॉस इंडिया, लेकिन जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल पूर्णिया अपनी खुद की पहचान के लिए वैसे ही अपना नाम बनाकर रखा हुआ है और हम जो कि इतना नाम कमा चुके हैं अभी COVID-19 के बाद जो सिचुएशंस है, जिस तरह से हम अपने बच्चों को वेलकम कर रहे हैं और जो उनको हमने पहले दिन में ग्रीट किया, जिस तरह से पूरी तैयारियों के साथ सारे के सारे बिहार गवर्नमेंट के सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करते हुए हमने अपने स्कूल की रीओपनिंग की है, जिसमें पहले दिन बच्चों को मिठाई खिलाकर, तिलक लगाकर, उनको फूल मालाओं से स्वागत करके उनका वेलकम किया गया था। और उसके बाद बच्चों के लिए एक छोटा सा बहुत अच्छे मैजिशियन के थ्रू एक मैजिक शो हमने रखा हुआ था। ये तो हुआ हमारा उनको स्पेशल फील कराने का तरीका, क्योंकि बच्चों के बिना स्कूल नहीं, और अगर बच्चे ही नहीं तो टीचर्स के चेहरों पे भी बिल्कुल जान नहीं थी, मुस्कान नहीं, जी बिल्कुल सारी स्माइल जो है वो ख़त्म हो चुकी थी स्कूल से। ऐसे में जब बच्चे आए यहाँ और जिस तरह से हमने उनको वेलकम किया तो पेरेंट्स भी इन चीज़ों को देखकर बहुत गदगद थे। और हम अपनी पूरी तैयारियों के साथ में एक बार फिर से सत्र को शुरू करने के लिए तैयार हैं। हमारी सारी ही सुविधाएँ, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे स्पोर्ट्स है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, आर्चरी, स्विमिंग, पूरी की पूरी स्पोर्ट्स की टीम अपनी तैयारियों के साथ रेडी है। स्कूल का जो इंफ्रा है उसको वापस से डस्टिंग होके, पॉलिशिंग होके हम फिर से अपने बच्चों के लिए रेडी हैं सेशन शुरू करने के लिए। हमारी सुविधाओं में से जैसे हैं, आप जानते होंगे, जीपीएस वाली हमारी पूरी की पूरी व्हीकल्स हैं, स्कूल की जो बसेज हैं, और ये बसेस में इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है कि अगर मान लीजिए कभी कुछ होता भी है ना, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, ना ही कोई एक्सीडेंट का इसमें केस बनता है, कभी कुछ नहीं होगा इन बसेस को। अगर आप हमारे क्लासरूम की तरफ चलते हैं तो आप देखेंगे कि सारे के सारे क्लासरूम जो है वो स्मार्ट बोर्ड्स है, वहाँ पर फुली एयर कंडीशनड है। हमारे कैंटीन की तरफ अगर आप जाते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चों को प्रॉपर उनकी एज के साथ दिया गया मेन्यू, जिसमें कि न्यूट्रिशन को और हाइजीन को पूरी तरह से दिमाग में रखकर बनाया गया है। और जब यहाँ बच्चे आते हैं तो जिस तरह की केयर हम देते हैं वो एक माँ ही दे सकती है। ताज़ा बना के खाना, गर्मा गर्म खाना, बिना पैक किया, जो कि 3-4 घंटे तक रखा हुआ भी ना हो, इस तरह की उनके हेल्थ का हम केयर करते हैं। जीडी गोयनका की जो एकेडमिक डायरेक्टर हैं, बहुत ही अच्छी बात कही कि जिस तरह का केयर हम देते हैं वो एक माँ ही दे सकती हैं, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब हम बात करते हैं इनसे जो टीचर के लिए क्या चुनौती होगी, क्योंकि बच्चे तो एक साल बैक हो चुके हैं, पीछे जा चुके हैं, अब उनको फिर से उनके क्या करता है शिक्षा में आगे बढ़ाना है, पटरी पे लाना है उनको, उनके लिए टीचर के लिए भी एक चुनौती होगी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी खासियत है वी आर जीडी गोयनका एंड वी स्टैंड विद दिस नेम। हमारे जो टीचर्स हैं वो पूरी तरह से अपने ट्रेनिंग्स लेकर क्लासरूम्स को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, सैनिटाइजेशन की पूरी तैयारी है स्कूल में, बच्चों का ऑक्सीजन लेवल लिया जाता है, बच्चों का टेम्परेचर लेते हैं, इन्फर्मेरी में रोज एक नर्स है वो पूरे बच्चों का चेकअप करती है, उसके बाद ही बच्चे नाश्ते के लिए जाते हैं।
इस तरह की तैयारियों के साथ हम एकेडमिक्स की, एकेडमिक्स में जिस तरह का सभी का कंसर्न है, ना सिर्फ हमारा देश बल्कि पूरा विश्व जो है ये प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, इसके लिए जो हमारी तैयारियां हैं वो कुछ इस तरह की है कि हमने इस साल का कोर्स जो आने वाले सत्र के लिए हेल्पफुल होने वाला है, हमने एक ब्रिज कोर्स रेडी किया है और बच्चों को कम से कम 3 महीने तक हम ये ब्रिज कोर्स करवाएंगे, ताकि इस साल का भी जो छूटा हुआ सा फील ना हो, उनका फाउंडेशन जो है वो मजबूत हो, इसके अलावा बच्चे आने वाले साल की पढ़ाई को ग्रास्प करने के लिए भी रेडी हो जाए। चलिए, ये थी जो मैडम हैं, जो यहाँ के एकेडमिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त किया गया है, जो एजुकेशन की जो व्यवस्था है, ब्रिज कोर्स के माध्यम से हम उन चीज़ों में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। अब स्कूल खुल चुकी है और अब ये देखना होगा कि बच्चे किस तरह स्कूल आते हैं और स्कूलों के लिए इस COVID-19 के बाद कितनी चुनौतियाँ रहती हैं। एक सवाल आता है कि मैडम प्रहत के पूछते हैं आपसे, जी डी गोयनका के बारे में कहा जाता है कि बहुत महंगा स्कूल है, उसके क्या कहेंगे आप? एक्चुअली जी डी गोयनका की जो क्वालिटी है उसकी वजह से ज़्यादातर पेरेंट्स को ये लगता है कि ये एक बहुत महंगा स्कूल है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये आपके पॉकेट फ्रेंडली स्कूल है जो कि आपके बजट में है, और यहाँ पर जो एजुकेशन है ये वर्ल्ड क्लास क्वालिटी पे दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे देश में जाकर पढ़ने वाली बात है, बिल्कुल भी नहीं। एक साधारण नागरिक के लिए बजट फ्रेंडली फी है और आप आराम से अपने बच्चे पढ़ा सकते हैं। बजट फ्रेंडली स्कूल है और फी है, आप अपने बच्चों को आराम से यहाँ पढ़ा सकते हैं। एकेडमिक डायरेक्टर हैं, कहा जा सकता है कि बहुत ही अच्छी स्कूल है और ये पूरे कोसी और सीमांचल में जी डी गोयनका अपने आप में एक नाम रखता है। उम्मीद करते हैं कि COVID-19 से जब हम लोग छुटकारा पाए हैं तो हमारे जो बच्चे हैं वो अब एजुकेशन की दुनिया में फिर से लौट के आएँ और देश और अपने राज्य और अपनी जगह का नाम रोशन करें। पूर्णिया से मैं प्रफुल्ल झा।